Hello students, I am Shweta Sharma. Today we are going to start chapter 2, parts of plant body. In this chapter we are studying about the plant part, leaves, stem, fruits, etc. First of all, keyword chlorophyll. What is chlorophyll? Why are leaves green? पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट. उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है प्लांट्स में, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल मिलता है. ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट्स के लिए फूड मैकिंग का काम करता है. स्टोमेटा, सम पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे उन्हें क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा. ये जो हैं ये प्लांट के पार्ट हैं, पार्ट्स के अंदर मिलते हैं. क्लोरोफिल लीव्स में मिलेगा, स्टोमेटा भी लीव्स पर मिलता है. डू यू नो दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स? यस, वी ऑब्वियसली नो द लिविंग थिंग. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो हम लिविंग थिंग्स जानते हैं कि प्लांट्स और ट्रीज किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में आते हैं. दे नीड वाटर, एयर, मिनरल सॉल्ट्स एंड सनलाइट टू ग्रो. जैसे हमें ग्रो के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, नेसेसरी है हमारे लिए फूड. ऐसे ही प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए. किसके लिए? उनकी ग्रोथ के लिए. अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द सीड. और जो छोटा प्लांट है, एक प्लांट है, वो किससे बनता है? सीड से बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट रूट. दिस पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी लाइज इनसाइड द सॉयल और अंडर द ग्राउंड. ये जो पार्ट है प्लांट का, ये कहाँ होता है? अबोव द ग्राउंड, सॉरी अंडर द ग्राउंड. विद द हेल्प ऑफ रूट्स द प्लांट इज फिक्स्ड टू द सॉयल. और इसकी हेल्प से क्या है, प्लांट्स जो हैं वो फर्मली अटैच्ड रहते हैं ग्राउंड से, सॉइल के अंदर वो फिक्स रहते हैं. और इसी की वजह से क्या है, वो इरेक्ट रहते हैं, सीधे खड़े भी रहते हैं. रूट्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट्स? रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. जो रूट्स का फंक्शन है वो क्या है? ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं. किससे? जो सॉइल में होता है या हमारे थ्रू जो वाटरिंग की जाती है प्लांट्स में, उससे. रूट्स आर नॉट ग्रीन इन कलर. रूट्स कैसी होती हैं? ये कलरलेस होती हैं, मोस्टली वाइट इन कलर, वाइट होती हैं कलर में, ये ग्रीन नहीं होती हैं. क्यों नहीं होती हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल. इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल की एब्सेंस होती है. इफ़ यू सी द रूट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, यदि आप क्या देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स देखते हैं, यू विल फाइंड दैम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज. तो हम क्या देखते हैं कि उनकी साइजेस और जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट है. प्लांट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू फाइव ग्रुप. दीज आर द ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स. तो ये हैं, ये शेप और साइज के बेसिस पे ही उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हमने डिवाइड किया है. डू यू नो दैट यू ईट द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स? रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो आर ईटन एज फूड. द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स स्टोर फूड इन दैम. वी नो अबाउट दैम. वी टेक द वेरियस टाइप ऑफ रूट्स. हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो रूट्स हैं उनको इंटैक्ट करते हैं, उनको फूड के रूप में यूज़ करते हैं. रेडिश, इट इज़ ऑल्सो है एग्जाम्पल ऑफ, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रूट. रेडिश है, कैरेट है, टर्निप्स एंड स्वीट पोटैटो. और हम इन सब रूट्स को कैसे यूज़ करते हैं? एज ए फूड यूज़ करते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टिंग. This part of the plant body lies above the soil. जैसे जो root है, root कहाँ मिलता है? Soil के अंदर मिलेगा, under the ground मिलेगा. तो stem कहाँ होता है? Above the soil या above the ground. The stem of a plant is green in color when young. और जब क्या होता है, stem जो उसकी premature time होता है, जब वो छोटा होता है, seedling होता है, तब कैसा होता है? उसका कलर ग्रीन होता है मोस्टली. देन इट टर्न्स इनटू डार्क कलर और
बार्क जब है बार्क इसकी बनती है और ये ग्रे कलर का हो जाता है या ब्राउनिश कलर का हो जाता है. जनरली स्मॉल प्लांट्स हैव फोर सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स. द स्टेम्स ऑफ ट्रीज आर हार्ड वुडी एंड नॉट ग्रीन इन कलर. जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है डेवलप होता जाता है तो क्या होता है उसका जो ग्रीन सॉफ्ट जो स्टेम है वो हार्ड और वुडी में टर्न हो जाता है और उसका जो ग्रीन कलर है वो भी चेंज हो जाता है. द स्टेम ऑफ अ प्लांट हैज़ मैनी ब्रांचेस. जो स्टेम होते हैं उसमें कई ब्रांचेस होती हैं. द ब्रांचेस ऑफ अ स्टेम बियर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. और इन ब्रांचेस पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं प्लांट्स के, जैसे फ्लावर है लीव्स हैं और फ्रूट्स हैं. द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. जो स्टेम है स्टेम क्या कैरी करता है, वाटर और मिनरल्स कैरी करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू द स्टेम. स्टेम के थ्रू क्या होगा, जो वाटर है जो एब्जॉर्ब करा है रूट्स ने उसको वो पूरी जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट उसमें पहुँचाएगा. और जो प्लांट्स की जो लीव्स हैं, लीव्स दे आर मेकिंग फूड, जो फूड बना रही हैं उन्हीं फूड को क्या होगा, जो स्टेम है स्टेम के थ्रू वो सारे वो पूरे पार्ट में जाएगा, जो प्लांट्स का पार्ट है उसमें चला जाएगा. द स्टेम ऑल्सो कैरीज द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. जो लीव्स जो फूड बना रही हैं वो भी क्या है, किसके थ्रू जाएगा, स्टेम के थ्रू. Do you know that we eat the stems of some plants? Yes, हमें पता है कि हम क्या है, कुछ stems है जैसे roots का modification, जब root का modification है as a food में vegetable और fruit जो हम खाते हैं radish, carrot, turnip ये सब क्या है, roots है. ऐसे ही modified stem है जो हम food के रूप में उसको use करते हैं. इसमें है potatoes, ginger. Potatoes and ginger are the stems we eat. The stem of these plants store food in them. और जो stem है वो stem क्या कर रहा है, यहाँ पर food storage का काम कर रहा है और उसी को हम काम में ले रहे हैं as a vegetables. Vegetables जैसे potato में, ginger में, ये तो होता है below the ground, ground के नीचे, under the ground जो potatoes हैं ginger हैं. और stem का एक example और है sugar cane. Sugar cane कहाँ मिलता है, sugar cane मिलता है above the ground, वो भी stem ही है जैसे हम food के रूप में use करते हैं, वो vegetable thing है. The third one part is the leaf. Leaves are present on the stem and its branches. Leaves are green in color because they have a green colored substance called chlorophyll. जो leaves होती हैं वो stem पे present होती हैं और stem पे branches होती हैं. तो branches होती हैं, twigs होती हैं, बहुत सारे जो further parts होते जाते हैं branches के बाद, तो सभी पे क्या होती है, leaves present होती हैं. इन leaves में एक pigment होता है, pigment होता है substance, chemical substance जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. ये ग्रीन कलर का होता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, तो क्लोरोफिल का फंक्शन है कि ये क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है. सनलाइट को ट्रैप करने से क्या होता है, जो फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए होती है तो क्लोरोफिल उसको ट्रैप करके दे देता है. With the help of chlorophyll, water from the soil and air, carbon dioxide from the atmosphere, green plants prepare their own food in the presence of sunlight. देखिए जो chlorophyll है उसकी help से क्या हो रहा है, water मिल रहा है soil से, air से मिल रही है carbon dioxide. तो water और carbon dioxide का reaction हो रहा है, दोनों combine हो रहे हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, एटमॉस्फियर से. एटमॉस्फियर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई और वाटर मिल रहा है, दोनों कंबाइन होके जो ग्रीन प्लांट हैं उनको कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं. वो फूड किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है. जो ग्लूकोज हम इंटेक करते हैं ना, वही ग्लूकोज वहाँ पर भी बनता है. लेकिन इन सब के लिए सनलाइट की प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो क्या क्या हो गया, क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस या फूड मेकिंग के लिए, देखिए क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर और सनलाइट. फॉर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लीव्स हैव
got small pores known as stomata. जो stomata होते हैं, stomata are the tiny pores that are present on leaves. Leaves पे जो present होते हैं वो क्या हो रहा है, ये वो अपनी जो leaves हैं, leaves की जो stomata उसके through carbon dioxide को tag कर रहा है जो कि एटमोसफियर में प्रेजेंट है. लीव्स ये वर्क कर रही है स्टोमेटा के थ्रू. द स्टोमेटा आर सो स्मॉल दैट यू कैन सी देम विद अ माइक्रोस्कोप ओनली. दीज आर द माइक्रोस्कोपिक. तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक इसलिए हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं स्टोमेटा को. ये हमें नैक्ड आई से नहीं दिखेगा, हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा या पावरफुल लेंस लेना पड़ेगा स्टोमेटा को देखने के लिए. Leaves get water from the soil through roots and stems. जो leaves हैं उनको water कहाँ से मिलेगा, first of all roots हैं, roots क्या कर रही हैं, absorb कर रही हैं water को, then वो stem उसको क्या कर रहा है, carry कर रहा है उसी water को. तो दोनों help कर रहे हैं leaves तक water को carry करने में या transport करने में. Observe the leaves of some plants, they differ in shape, size, texture and color. अलग हम जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट देखते हैं, सबकी पत्तियां, सबकी लीव्स एक जैसी तो नहीं होती, वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. कोई क्या है, शेप और साइज में छोटी होती हैं, कोई ब्रॉड होती हैं, कोई अलग अलग तरह की लार्ज होती हैं. तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लीव्स हैं. दिस वन इज़ फ्रॉम रोज़. ये रोज़ से है, रोज़ की लिए पत्ती ली है. ये पीपल, मैथी, मैथी इज़ कॉल्ड फेनुग्रीक. फेनुग्रीक इसको बोला जाता है. एंड पालक, स्पिनेच. रोज़ की जो लीफ है वो पीपल से डिफरेंट है और ये दोनों पत्तियाँ जो हैं मैथी यानी फेनुग्रीक और स्पिनेच से डिफरेंट है. तो क्या है, सारी जो लीव्स हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होती है. जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, क्या सबके फेसेस एक जैसे होते हैं, नहीं नहीं होता. तो प्लांट्स में भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, ऐसी उनकी जो लीव्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. Besides green leaves, onion also have some special leaves called the scale leaves. जो ये leaves हैं ये तो green होती हैं, लेकिन जो onion होता है, onion के अंदर क्या होती हैं, scale leaves होती हैं, which store food in them. और इनकी property भी क्या है कि ये क्या करती हैं, store करती हैं food को. These scale leaves which we eat are grown under the ground. और ये जो leaves हैं ये क्या हैं, जो अंडर द ग्राउंड सॉइल के अंदर जाके ही इन जो लीव्स में क्या होता है, फूड स्टोर होता है. वी ईट द लीव्स ऑफ स्पिनेच, करियंडर, मेथी, बथुआ एंड ऑफ मैनी अदर प्लांट्स. हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है, लीव्स हैं उनको खाते हैं. क्या यूज़ करते हैं, स्पिनेच पालक के रूप में, करियंडर धनिए के रूप में, मेथी, फेनुग्रीक, बथुआ और अदर प्लांट्स हैं. जैसे पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी कैबेज है, कैबेज को भी हम लीव्स के रूप में यूज़ करते हैं. ईटिंग लीफी वेजिटेबल इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, दे आर रिच इन विटामिंस एंड मिनरल्स. जो लीफी वेजिटेबल्स हैं डेफिनेटली उनसे हमें आयरन तो मिलेगा ही सही मिनरल के रूप में, और क्या मिलते हैं, इनसे डिफरेंट डिफरेंट विटामिंस भी हमें मिलते हैं.